नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा, अजमेरा फैशन सूरत से फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का इस लाइव सेशन में। दोस्तों, काफ़ी टाइम हो गया, पिछला वीक गैप पड़ गया था, लाइव में हम लोग जुड़ नहीं पाए थे। पिछले बुधवार को मैं बाहर था, इस वजह से लाइव आप लोगों के समक्ष नहीं आ पाया, उसके लिए तहे दिल से माफ़ी चाहता हूं। ये फेसबुक है, ओके। काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से एक बार। आर के ऑफिशियल चैनल व्हीकल, हम वेट कर रहे थे सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। शंभू झा जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सुबोध कुमार जी, नमस्ते सर जी। जितेंद्र जी, प्रणाम 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 प्रणाम, सभी को प्रणाम। जितेंद्र कुमार जी, डीके सिंह जी है, मैं भी कपड़े का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। बिल्कुल कर दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, मोस्ट वेलकम है। आपने मन बनाया है, ये बड़ी बात है। थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च शुरू कर दीजिए। सुप्रिया सिंह जी हैं, प्रणाम भैया, नमस्ते जी। बहन जी भागलपुर से हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लाइव सेशन में जुड़े हम लोगों से, उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। प्रेमवीर मुंजवार जी हैं, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम, वेरी गुड मॉर्निंग। जावेद सर, न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है, कितने से स्टार्ट करें? स्टूडेंट हूँ मैं अभी। बहुत बढ़िया है, स्टूडेंट हैं तो अगर परिस्थितियां सब अच्छी है तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी उसमें ना लगें, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि सब परिस्थितियां अनुकूल नहीं होने की वजह से समय जो रहता है उसको कहीं सदुपयोग करना चाहते हैं आप, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने सोचा है ये भी बहुत बड़ी बात है। मेरा भाई का होलसेल का काम है और आपके यहाँ से ही प्रोडक्ट जाता है। आज 2 साल से तो मेरा भाई ने बोला अजमेरा फैशन में जाओ और वहाँ से आप कपड़ा कलेक्ट करो, तो मैं बारिश ख़त्म होने के, पूरा कमेंट नहीं आ पाया, बारिश ख़त्म होने के बाद शायद आ पाएंगे। कोई बात नहीं है, आपके भाई होलसेल का काम करते हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उनको और बहुत अच्छी बात है। आप भी जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसा करना चाहते हैं थोड़ा सा भाई से भी समझिएगा, वहाँ पे आपके भाई भी आपको समझाएंगे पूरी चीज़, और आप भी वहाँ आजू बाजू रिसर्च कर लें अपने पूरी, फिर आप वीडियोस वगैरह भी देखते हैं, कंटिन्यू जुड़े हुए हैं हमसे, उनसे भी आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी, बहुत अच्छी बात है। और आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है, हमसे भी जुड़कर आप बिजनेस को कर सकते हैं। सितंबर माह में अपना काम स्टार्ट करने जा रहा हूं और पैसे भी, मेरा बजट 5 लाख रुपए का है। बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा समय है सितंबर माह, दिवाली की बहुत बड़ी सीज़न रहती है सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अंदर, तो आप कर सकते हैं। बीच में फ़ोन आ गया था। रविंद्र मीना जी है, सरम भी पहली बार शुरू कर रहे हैं कपड़े का व्यापार, कम लागत के साथ कम काम करना चाहते हैं, हमें आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। कम लागत में बिल्कुल, लेकिन कम लागत पूरे बिजनेस पे कम लागत चल जाती है, लेकिन कहते हैं कि कम लागत का माल खरीदने से बिजनेस नहीं चलता है, ये चीज़ का भी आप ख्याल रखें। 45 रुपये की साड़ी हम बेचते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बेचते हैं, पर कम लागत वाली साड़ी आप ले जाके अपने काउंटर पे सेल नहीं कर सकते हैं, उसकी भी बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं, उनको सबको समझ के आपको व्यापार करना चाहिए। 45 रुपये वाली साड़ी ब्यूटिक वगैरह के काम की, आप बहुत सारे ऐड देखते होंगे, बहुत सारी चीज़ें समझने का प्रयास करते होंगे, 100 रुपये में इतनी साड़ी, 400 रुपये में
रुपए में 20 साड़ी 25 साड़ी इस तरीके की ऐड पे या किसी भी तरीके के उस पे आप ना जाएं बिल्कुल भी। थोड़ा सा आपको क्या रेंज रखनी चाहिए, 45 रुपए वाली साड़ी 100 साड़ी ले जाके आप रख लेंगे तो दुकानदारी नहीं चलने वाली है, या खाली 99 रुपीज़ वाली साड़ी आप भर लेंगे तो भी दुकानदारी नहीं चलने वाली है। ये चीज़ों का थोड़ा सा खास ख्याल रखें। आप किस सेगमेंट की दुकानदारी करना चाहते हैं उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देवें। तो और आप लाइव सेशन में मेरे ख्याल से हमारे सब्सक्राइबर हैं, पहले से कर रखा है सब्सक्राइब आपने, बहुत अच्छी बात है। नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको बिजनेस किस तरीके का करना है, किस तरीके की रेंज आपको रखनी है, इस पे रेगुलर हम लोग वीडियोस बनाते रहते हैं। हमारा मोटो यहाँ बेच के खुश होना नहीं होता है, हम ये चाहते हैं कपड़ा आपके यहाँ जाए और बिके और आप वापस रिपीट हमारे पास में आओ और बोलो कि भाई और माल चाहिए, मेरा कपड़ा जो गया था बहुत अच्छा बिका, तब असली खुशी होती है। तो कपड़ा क्या रखना है ये भी हम लोग वीडियोस के माध्यम से बताते रहते हैं, वीडियोस बनाते रहते हैं, एक तरीके से छोटी क्लास बोल दीजिए आप, बिजनेस के बारे रिगार्डिंग हम बताते रहते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स इस वीडियो इन इस बिजनेस के बारे में मिलते रहें। आज मैं फिर से आपको बताऊंगा, सवाल जवाब के ऊपर ज़्यादा जाता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन ऊपर चले गए। मुकेश कुमार जी हैं, राम राम सर, जावेद जी का मैंने पढ़ दिया, संतोष जी नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग, रवि नंदा जी हैं नमस्ते, अश्रित कुमार दुबे जी हैं, आपकी आवाज़ में जादू है सर, बहुत ही सरस है, थैंक यू सर, मैं आप यहाँ बहुत जल्द आपके यहाँ बहुत जल्द आने वाला हूँ, मोस्ट वेलकम सर। हम भी पहली बार शुरू कर रहे हैं कपड़े का व्यापार, लागत के साथ कम लागत के साथ करना चाहते हैं, मैंने जवाब दिया। बाबू खान जी, सर मेरा खाली ज़मीन है सर जी, उसमें आपके माध्यम से करना है, मुझे क्या करना है सर? खाली ज़मीन पे तो बिज़नेस नहीं किया जा सकता है, कुछ आपको स्ट्रक्चर, आजकल टेम्परेरी स्ट्रक्चर भी बनते हैं, आजकल कंस्ट्रक्शन से भी किसी भी तरीके से आप करना चाहें कर सकते हैं, आपके आजू बाजू की लोकेशन वगैरह थोड़ा देख के, रिसर्च का पार्ट है वो आप कर लीजिए, कस्टमर को बिठा सकें, उनको दिखा सकें इस तरीके का आप उसमें करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कन्हैया प्रसाद जी, सर मैं बिहार सीतामढ़ी से हूँ, आपका सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल सर, हम हमेशा रेडी हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, आप क्या चाहते हैं थोड़ा सा बताइए। प्रेमवीर मुजवर जी है, मैं जसराना फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ, मेरी शालू क्लॉथ स्टोर नाम से दुकान है, आप 5 से 10 हज़ार के ऑर्डर का भी स्लॉट रखिए। 5 से 10 हज़ार का ऑर्डर का स्लॉट रख तो दें, लेकिन कपड़ा भेजे कैसे आप तक सर? हम ट्रांसपोर्ट से माल भेजते हैं, 5 से 10 हज़ार रुपये का कपड़ा अगर आप लेंगे, छोटा सा पार्सल बनेगा, ट्रांसपोर्ट वाला वो लेगा नहीं। और रहा कुरियर का सवाल, कुरियर बहुत कॉस्टली गिरता है सर, इसलिए हम एक बड़ा पार्सल 50-60 किलो का एक स्लेब रखते हैं, जिसकी वैल्यू 25-30 हज़ार रुपये, मीडियम कपड़ा आप लेते हैं तो होती है, उतना हम मिनिमम रखते हैं सर। सुशीला जैन जी है, मैं घर में बिजनेस करना चाहती हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आपका लाइव वीडियो और जितना भी अभी तक आपने वीडियो बनाए हैं सारे वीडियो मैं देख चुका हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके कुछ वीडियो देखकर तो मैं रोया भी हूँ सर, माझा चाली फिल्म डिस्ट्रिक्ट में हूँ सर। थैंक यू शुभम जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ऐसी कोई बात मैं बोलता तो नहीं हूँ कि किसी को दुख हो तकलीफ़ हो, पर कहीं भी आपको ऐसा कोई दुख मेरी बातों को सुन के लगा हो तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं रहता है किसी को तकलीफ़ पहुँचाने का। सर मैं बिहार से, मेरे मन में डर लगता है सर, क्या करें? सुजीत कुमार जी, डर दिल से निकाल दीजिए, मैं बिज़नेस के बारे में ही नहीं कहता हूँ, कोई भी फील्ड में हो, किसी भी चीज़ में हो, डर एक स्वाभाविक चीज़ है, डरना ज़रूरी भी है, लेकिन उस डर से रुकिए मत, आप आगे बढ़िए। डर, सबको डर लगता है, हर इंसान को डर लगता है,
पर उस डर पे विजय प्राप्त करके आप आगे बढ़ेंगे तो ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपको हासिल हो सकती है। तो डर को कोई बात नहीं है, उसको साइड रख दीजिए, आगे बढ़िए। जिस चीज़ से भी आपको डर लगता है वो काम कर दीजिए, आपका डर निकल जाएगा बिल्कुल भी। मुझे लाइव वीडियो बनाने से डर लगता था, मुझे कैमरे के सामने आने से डर लगता था, आज मैं कैमरे के सामने ऐसे आ जाता हूँ कि एक नॉर्मल चीज़ सी लगती है, नॉर्मल आपसे बात करता हूँ वैसे मुझे लगता है। तो डर शुरुआत में होना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी चलाते हैं, घबराहट होती है मन के अंदर, लेकिन फिर जब गाड़ी चलानी आ जाती है, मैं वो डर को छोड़ के गाड़ी चलाता ही नहीं ज़िंदगी भर, तो कभी गाड़ी सीख ही नहीं पाता। लेकिन उस डर पे काबू करके आपने गाड़ी चलाना सीखा ना, साइकिल चलानी सीखी ना, स्कूटर चलाना सीखा ना, वो डर होते हुए भी आपने सीखा कि कहीं स्कूटर भिड़ जाएगा, कहीं गाड़ी लग जाएगी, कहीं साइकिल टकरा जाएगी, फिर भी आपने उस डर पे विजय प्राप्त करी। तो आज बढ़िया से आप साइकिल चलाते हैं या स्कूटर चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं, कुछ भी है कर ही रहे हैं। तो हर चीज़ में डर लगेगा, आप आगे बढ़िए उस डर को साइड में करते हुए। असली में मुंबई में फिल्म डिस्ट्रिक्ट में काम करता हूँ प्रोडक्शन मैनेजर का, लेकिन आपने कुछ वीडियो देखकर नहीं बहुत ज़्यादा रोया हूँ कि आप हर इंसान को एक बोलते हैं कि आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। बाबू खान जी, सर मैं यूपी के मिर्ज़ापुर से हूँ, 30 किलोमीटर दूर मेरी है मार्केट से हूँ, 30 किलोमीटर दूर मार्केट से हूँ। आप अपने गाँव में छोटे से जगह पर भी शॉप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे गांव से हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। संजू पटेल जी है, नमस्ते, मैं भी शुरू करना चाहता हूं घर से नेपाल में। बहुत बढ़िया। श्री कुशन कापड़ जी है, नेपाल में बहुत सारे कस्टमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो ये बिजनेस कर रहे हैं। अजमेरा फैशन की खास बात, अजमेरा फैशन वन स्टॉप डेस्टिनेशन है जहाँ कपड़े की मोस्टली वेराइटीज़ आपको मिलती है। नेपाल के एरिया का जो टेस्ट होता है वो भी आपको यहाँ पर मिलता है। सबसे बड़ा हम क्वालिटी का ध्यान रखते हैं, क्वालिटी की एक रेट वाइज जो क्वालिटी होनी चाहिए उस चीज़ को हम लोग फॉलो करते हैं और उसके बाद आप लोगों के पास प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, जिससे कि आपको बेचने के अंदर बहुत अच्छी एक मुनाफा मिल सके और आसानी हो। सबसे बड़ी चीज़ रोटेशन फास्ट घूमता है सर, अगर सही डिज़ाइनिंग सही क्वालिटी आपके पास रहती है तो। रेवाती जी हैं, सर प्लीज़ सपोर्ट मी, मैं भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ फ्रॉम कर्नाटका। बिल्कुल बिल्कुल रेवाती जी, आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर दिया हुआ है स्क्रीन के ऊपर, वहाँ कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको हर तरीके से सपोर्ट करेगी। सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, शांतिपुर से बोल रहा हूँ। बिल्कुल जी, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो। नेपाल में डिलीवरी है सर, बिल्कुल नेपाल में भी डिलीवरी है। नेपाल के बाजू में काफ़ी जगह हैं, रक्सोल है, सनोली है, सिसवा बाज़ार है, कोई यूपी का बॉर्डर है, कोई बिहार का बॉर्डर है, ठाकुरगंज है, तो अलग अलग जगह से भी कपड़ा यहाँ से लोग लेके जाते हैं हमारे यहाँ से होलसेलर्स, और फिर वो आगे नेपाल के अंदर नेपाल के व्यापारियों को बेचते हैं कपड़ा। तो आप होलसेल भी कर सकते हैं इंडियन बॉर्डर पर रह के, या आप डायरेक्ट नेपाल में मंगवाना चाहते हैं तो भी मंगवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इरफान खान जी है, बहुत खुशी हुई आज सर आपसे लाइव जुड़कर, बहुत बढ़िया। बट सर कुछ लोग डाउट बता रहे हैं कि माल बदल जाता है, देखा था कुछ और आया कुछ और, बट सर मैं आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट है, आप बहुत अच्छा करते हैं और मैं बहुत जल्द पूरा कमेंट फिर नहीं आया है, मैं आपसे मिलने वाला हूँ, शायद ऐसा लिखना चाहते होंगे। देखिए हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं, किसी भी बिजनेस की नींव अगर किसी का गलत करके, किसी का मन में गलत करने का विचार करके भी आपने किसी बिजनेस की नींव डाली है तो वो बिजनेस नहीं चलने वाला है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं, बिजनेस की बात छोड़िए, हमारे विचारों में भी किसी का गलत करने का नहीं हमारे ख्याल आवे, ऐसी ऊपर वाले से हम दुआ करके चलते हैं कि हमारे मन में भी ऐसा कोई ख्याल नहीं देवे कि जिसका हम गलत कर सकें। रहा सवाल माल बदल देने का, गलत करने का, आप मोस्ट वेलकम है, यहाँ आइए,
आप खुद लेके जाइए, मैं तो खुद ले जाने के लिए भी बोलता हूँ। आप ट्रांसपोर्ट के जरिए लेके जाइए, वो भी मैं बोलता हूँ। आप हमें भी बोलेंगे, ऑनलाइन भी ऑर्डर देकर मंगवाते हैं तो भी माल हमारे यहाँ से जो आपने लिया है वही जाएगा। रहा मैनेजमेंट का सवाल, कभी ऐसा होता है, कभी 1000-2000 केस में एक आदमी मान लूँ कि भाई आपने जो चूज़ किया है वो मैं मेरे यहाँ स्टॉक में नहीं है, हम आपको आज पीडीएफ बेचते हैं, आज डिज़ाइन बेचते हैं, आपने 5 दिन बाद हमें ऑर्डर दिया है तो हो सकता है उसमें एक आध दो डिज़ाइन 3 डिज़ाइन नहीं हो, तो भी हम सामने से आपको फ़ोन करेंगे, हमारी टीम फ़ोन करेगी कि सर ये आइटम आपका उपलब्ध नहीं है, ख़त्म हो गया है। क्योंकि हम देखिए बल्क बेचते हैं, बल्क कपड़ा आज आता है आज भी ख़त्म हो सकता है, 2 दिन बाद भी ख़त्म हो सकता है, 5 दिन बाद भी ख़त्म हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है आप जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो अभी की अभी आप 5 दिन बाद अगर सेलेक्ट करके आप देते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है वो हमें मिले या हमारे पास स्टॉक में हो या ना हो। तो अगर नहीं भी होता है तो हमारी टीम फ़ोन करती है, आपको पूछेगी कि सर ये नहीं है मैं क्या करूँ, तो वो आप दूसरी डिज़ाइन उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं जो उस दिन अवेलेबल होती है। तो और बाकी हम बिना आपके रजामंदी के, बिना आपके एग्रीमेंट के कुछ भी इस तरीके का काम नहीं करते हैं। आप बिल्कुल भी उसकी चिंता ना करें, स्वयं आके देखें, स्वयं आके देख के लेके जाएं, वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। अगर मन में आपके किसी तरीके का कोई डाउट है तो मिनिमम कितने अमाउंट तक का खरीदी कर सकते हैं, मिनिमम देखिए अगर आपको घर से बिजनेस करना है तो 25-30 हज़ार रुपये का आपको मिनिमम लेना ही पड़ेगा, बाकी तो इसमें ऊपर कितना भी आप लगा सकते हैं, कितना भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। रेवाती जी ने ये सवाल किया है, मैं बिहार से, सुजीत कुमार जी हैं, बहुत बढ़िया सर, हम अपने वाइफ को बोल रहे हैं काम करने के लिए तो बोल रहे हैं हमसे नहीं होगा, लाइफ में जुड़े हैं, आर के ऑफिशियल चैनल है, उनको सर मेरे वीडियोस दिखा दीजिए, उनको कोई डाउट है आप मुझसे बात करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उनको करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। एक हाउसवाइफ सिर्फ हाउसवाइफ चकला बेलन रोटी बनाने के लिए नहीं है, कहीं ना कहीं समय उनके पास रहता है तो कुछ ना कुछ उनको जीवन में करना चाहिए। सर जून जुलाई में शॉप खोलना सही है कि, बिल्कुल सर आप किस एरिया से हैं जहाँ रक्षाबंधन की ग्राहकी चलती है, राखी की ग्राहकी चलती है, वहाँ पे जून जुलाई में भी खोलना सही है। नई दुकान करने के लिए समय की कोई वो नहीं है, देखिए अगर ग्राहकी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप तैयारी करके एक बेस बना लीजिए अपना, लोगों तक अपने आप को पहुँचा लीजिए, आपकी दुकान अच्छे से रन कर जाएगी, फिर सीज़न के टाइम पर आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने, हो सकता है उस समय थोड़ी मंदी हो, वो सब भी आपने देख ली है। तो ऐसा मेरा कहना है, हर एरिया का अलग अलग एक त्यौहार होता है, उसके हिसाब से भी एक बहुत अच्छा सीज़न चलता है, कपड़ा सीज़न के टाइम पे बहुत बिकता है। हम जहाँ बैठे हैं वहाँ पे 12 महीने की ग्राहकी रहती है, क्योंकि हर एरिया में जब दिवाली के टाइम पे, पूजा के टाइम पे, दुर्गा पूजा के टाइम पे उड़ीसा बहुत ज़बरदस्त चलता है, वो सब चलता है, राखी के टाइम पे MP बहुत ज़बरदस्त चलता है, छत्तीसगढ़ बहुत ज़बरदस्त चलता है, तो हमारे यहाँ तो 12 महीने ग्राहकी रहती है। लेकिन आपके एरिया में क्या चीज़ है वो थोड़ा सा आपके रिसर्च का पार्ट है। सर मैं हरियाणा से हूँ, हमारी कपड़े के शॉप है, हम आपके पास आना चाहते हैं, कपड़ा लेके जाना चाहते हैं, आप बता दो कि हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट तक कितने रुपये में पहुँचा दोगे। आप ले जाना चाहते हैं तो देखिए कोई सवाल ही नहीं है, आप खुद ले जा सकते हैं, आप यहाँ के ट्रांसपोर्ट से ले जाना चाहते हैं तो अभी ट्रांसपोर्ट का एग्जैक्ट भाड़ा मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, वो हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आपको बता पाएगा एग्जैक्ट कितना है, बट ऐसा होता है कि बिहार के अंदर 50 किलो के पार्सल का 1000 रुपया लगता है, इंदौर वगैरह जाए तो 300 रुपये में पार्सल पहुंच जाता है, 300-400 रुपये के अंदर ही। तो हर एरिया का अलग अलग भाड़ा रहता है, डिपेंड करता है कि यहाँ से ट्रांसपोर्ट वहाँ की अवेलेबल है कि नहीं है, तो वो आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में बात कर लें तो ज़्यादा अच्छे से आपको बता दिया जाएगा। सर मैं अजमेरा फैशन से जल्दी जुड़ना चाहता हूँ, बिल्कुल मोस्ट वेलकम है शुभश्री माझी,
गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज़ हनन, बेंगलोर से नया बिजनेस करना चाहता हूँ मेंस वियर का, कैसा रहेगा सर? बहुत जल्द आपके पास आऊँगा। मोस्ट वेलकम है, आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है। सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से कितना दिन में आऊँ? 29 तारीख को आ रहा हूँ मैं। मोस्ट वेलकम है सर, मैं उड़ीसा बालासोर से हूँ। बहुत बढ़िया सर, अजमेरा फैशन से जल्दी जुड़ना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, यूपी के भदोही ज़िले से हूँ। बहुत बढ़िया। हेलो सर, क्या होलसेल का काम कर सकते हैं? बिल्कुल होलसेल भी कर सकते हैं आप अपने आजू बाजू का थोड़ा सा रिसर्च कर ले, में होलसेल में किसको कपड़ा आपको बेचना है, कितनी दुकानें हैं, वो सब थोड़ी सी जानकारी आप अपने एरिया की ले लें तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। विंसेंट डिसूजा जी, सर आई वॉचिंग फ्रॉम ओमान, मीट यू सून, वॉन्ट टू स्टार्ट शॉप इन मैंगलोर। मोस्ट वेलकम है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप ओमान से बोल रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरे देश से आप हमें फॉलो कर रहे हैं, ये आपका बड़प्पन है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। मैं एक्चुअली आप लोगों को बता दूं कि मैं फेसबुक भी लाइव रहता हूं, यूट्यूब पे भी लाइव रहता हूं और इंस्टाग्राम पे भी लाइव रहता हूं। सभी चैनल पे एक साथ लाइव आता हूं मैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के सवालों का जवाब मैं दे सकूं। नमस्ते सर, सूरत में रुकने के लिए कौन सी जगह पे रुके? रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे होटल्स हैं, बजट होटल्स भी हैं, लग्जरी होटल्स भी हैं, हर तरीके का यहाँ पे व्यवस्था है। आप वहाँ पे देख के रुक सकते हैं। आप हमें फ़ोन कर दीजिए, हमारी टीम से बात कर लीजिए, वो भी आपको इसके लिए गाइड करेंगे। SCS तनवीर आलम जी हैं, सर मैं कटिहार बिहार से हूँ और मैं फेरी करना चाहता हूँ, क्या आपसे माल लेकर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, हमारे पास ऐसे होलसेलर जुड़े हुए हैं जिनके आगे रिटेलर जो हैं सिर्फ फेरी वाले हैं, और डायरेक्ट फेरी वाले भी हमसे जुड़े हुए हैं जो कि ले जाकर फेरी पे कपड़ा बेचते हैं, तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। अर्जुन गुप्ता जी है बिहार से, सितंबर से आपसे जुड़ के साड़ी सेट का चाहता हूँ, दीपावली का माल उठाना पहली बार। मोस्ट वेलकम है अर्जुन जी, बिल्कुल उम्मीद करते हैं हम आपकी उम्मीदों पे खरे उतर पाएंगे। जो प्रोडक्ट आपको चाहिए वो हम अच्छे से अच्छा आप लोगों को उपलब्ध करा पाएंगे, ऐसी हमारी ऊपर वाले से दुआ है। वाई सो क्रिएटिव सर, मैंने परचेज की थी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अनुराग गुप्ता जी है, सर आपका माल कितनी MP में आता है? कटनी MP में आता है क्या? बिल्कुल जी, कटनी के अंदर तो बहुत माल जाता है, कटनी, रीवा, सतना, सीधी, मैयर, ये जितना एरिया है सब एरिया, जबलपुर से लेकर के इधर सभी जगह कपड़ा जाता है सर। सतना कटनी तो मैं इंडिविजुअली खुद कम से कम 3-4 बार गया हुआ हूँ। सर मेंस वियर के जिसमें जींस का वैरायटी का एक स्पेशल वीडियो बनाइए। बिल्कुल जी, जरूर हम बनाने का प्रयास करेंगे। सर नया शॉप खोलना है, माल मंगाने के लिए GST चाहिए क्या? देखिए, आप अगर पूरे साल के अंदर 40 लाख रुपए का कपड़ा बेचते हैं तो गवर्नमेंट का एक स्लैब है, 40 लाख के नीचे अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको GST नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर 40 लाख के ऊपर जाते हैं तो एक दूसरी स्कीम आती है जहाँ पे आप उसमें, ये आपको आपके CA बहुत अच्छे से समझा पाएंगे, छोटे बिजनेस के लिए GST नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, GST चार्जेस जो होता है वो आपको पे करना रहेगा, आप चाहे कहीं से भी कपड़ा खरीदें। सर मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, CG से कपड़े का बिजनेस करते हैं, आपके यहाँ से मुझे जानना है कि
कौन से जिला से जाते हैं, उसके साथ मुझे भी सूरत जाना है। तोमन साहू जी हैं, आप सूरत आने के लिए शायद जानना चाह रहे हैं। छत्तीसगढ़ से बहुत सारी ट्रेनें हैं, रायपुर से बहुत सारी ट्रेनें हैं, रायपुर बिलासपुर ये सब एरिया से। आज तो गूगल का ज़माना है, आप रेलवे की इंक्वायरी करेंगे तो आप मोबाइल हाथ में लेके अभी मेरे से लाइव भी आप कनेक्ट हो रहे हैं, तो आप इस चीज़ की भी जानकारी लाइव गूगल से निकाल सकते हैं कि सूरत पहुंचने के लिए मुझे क्या करना होगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। सर, स्टार्टिंग बिजनेस अमाउंट क्या होनी चाहिए? डिपेंड करता है आपकी शॉप के ऊपर करना चाहते हैं, डिपेंड करता है आप रिटेल शोरूम करना चाहते हैं, डिपेंड करता है आप घर से बिजनेस करना चाहते हैं, डिपेंड करता है कि आप होलसेल करना चाहते हैं। 25,000 रुपये से लेकर के 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़, जितना चाहे आप लगा सकते हैं। पर जहाँ तक मैं समझता हूँ, छोटे बिजनेस के लिए अगर आपने ये सवाल किया है तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप घर से बिजनेस करना चाहते हैं तो 25,000 या 50,000 रुपये में घर से स्टार्ट कर सकते हैं। अपर्णा यादव जी है, मैं ये बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश आगरा से, आपके पास आने की इच्छा है। सर, मोस्ट वेलकम है, आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है। आगरा के अंदर सबसे बड़ा होलसेल का जो हब है, रोशन मोहल्ला है आपके एरिया के अंदर, आगरा में बहुत बड़ा हब है, यहाँ से कपड़ा खूब जाता है। तो आप भी आके अगर होलसेल करना चाहते हैं या घर से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जितेंद्र मैनपुरिया व्लॉगर है, सर मैं आपके साथ होलसेल में काम करना चाहता हूँ, आपका साथ चाहिए, मिनिमम कितनी कैपिटल चाहिए होगी? होलसेल में देखिए, आप किस जगह पे हैं उसका डिपेंड करेगा, कितने व्यापारियों को कपड़ा बेचना चाहते हैं, बहुत बड़ी अमाउंट भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिसर्च का पार्ट है ये कि क्या प्रोडक्ट को लेके आप सेल करना चाहते हैं। सिर्फ साड़ी चाहिए, सिर्फ कुर्ती चाहिए, सिर्फ ड्रेस मटेरियल चाहिए, या फिर सिर्फ आपको सिंथेटिक साड़ी चाहिए, प्रिंटेड साड़ी चाहिए, या वर्क साड़ी चाहिए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। किस तरीके का होलसेल करना चाहते हैं वो आप ज़रा बता दें, तो बहुत अच्छे से हम गाइड कर पाएंगे आपको, या आप हमारी बोर्डलाइन मेंबर से, टीम से बात कर लीजिए, वो आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे। आप यहाँ आते हैं तो मुझसे भी मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कायस्ता संजीत कुमार, अगर माल साथ में लेके आना है तो कैसे लेके आ सकते हैं? हम थैले बना के देते हैं जिसके अंदर लगभग 50-50, 60-60 साड़ी, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 50-50, 60-60 साड़ी उसके अंदर आ जाती है, उनको आप आराम से ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। आप कुली के थ्रू भी ले जा सकते हैं, ट्रेन में आप अपने पास रख ले में वहाँ कर सकते हैं, या फिर आप ट्रांसपोर्ट के जरिए भी मंगवाना चाहते हैं तो भी आपके एरिया तक ट्रांसपोर्ट है कि नहीं है वो हम सारी जानकारी निकाल के आपको बता देंगे। जब तक कपड़ा आपको मिल नहीं जाता तब तक हमारी जवाबदारी रहती है, हम इंश्योरेंस करके भेजते हैं, आप उसके लिए भी चिंता ना करें, और ट्रांसपोर्ट ही प्रीफर करिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप स्वयं ले जाना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ले जा सकते हैं अगर आपको अनुकूलता रहती है तो। ट्रांसपोर्ट की जान, ये बेटा बाहर निकल गया यहाँ से, हाँ तो मैं कहाँ था, एक मोबाइल से बाहर हो गया हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रही हूँ साड़ी का, लेकिन बहुत ऑर्डर नहीं आते हैं, का कोई सॉल्यूशन बताएं? अगर लक्ष्य या कोई भी ब्रांडेड कपड़ा अपने अकाउंट से बेच सकती हूँ, इन्होंने लक्ष्मीपति का नाम लिया, ठीक है, कोई ब्रांडेड अजमेरा है, लक्ष्मीपति है, या कोई भी ब्रांडेड है, उनका कपड़ा मैं बेच सकती हूँ? बिल्कुल बेच सकते हैं। एक एनओसी होता है, एक लेटर होता है जो कंपनी आपको देती है, जैसे अजमेरा फैशन का कपड़ा आप अजमेरा के ब्रांड में बेचना चाहते हैं तो भी आप बेच सकते हैं, वो एनओसी लेटर ले लेंगे तो आपको अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, मिंत्रा पे, या किसी भी मार्केट प्लेस पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। ऋषिकेश जी हैं, राजस्थान जयपुर से आ रहा हूँ, मोस्ट वेलकम है। संतोष कुमार जी, सर मेरे पास साड़ी सूट और रेडीमेड कपड़े का शॉप है, शूटिंग शटिंग नहीं है, आप बताओ उसको ऐड करें या नहीं? देखिए,
मैं आपको जवाब दूं उससे ज़्यादा आप स्वयं इस बात का जवाब अपने आप को दे सकते हैं। आपके पास में डेटा होगा पुराना, आपके पास कितने कस्टमर आते हैं जो कि शूटिंग शेटिंग के लिए वापस जाते हैं, या फिर कितने कस्टमर आते हैं जो साड़ी में किसी और वैरायटी के लिए वापस जाते हैं। अपने आजू बाजू जितना लोगों की डिमांड है उस चीज़ को आप अगर पहचान पाएंगे तो बहुत अच्छे से इस सवाल का जवाब आप स्वयं को दे पाएंगे। ये एक फ्रेमवर्क जैसा काम है जो थोड़ा सा कागज पे नोट करने से आपको बहुत अच्छे से इसका जवाब मिल सकता है और स्वयं ही दे सकते हैं, कोई और नहीं दे सकता है। सर स्टार्टिंग अमाउंट कितनी होनी चाहिए? मैं बता सकता हूँ। शालिनी ठक्कर जी है, फ़ोन क्यों नहीं लगता है? मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको तकलीफ़ हुई। सुबह 9 बजे से रात को 7 बजे तक ऑफिस चालू रहता है, आप उस समय कॉल कर सकते हैं। अगर कॉल नहीं भी लगा है तो वापस कॉल हमारी टीम आपको कर लेगी। एक बार नहीं लगा है तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि दोबारा ट्राई कर लें, या कोई और नंबर है कि इमरजेंसी नंबर मैं हमेशा देता हूँ आपको, उस नंबर पे भी नीचे आप डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा, उस नंबर पे भी कॉल करके आप बुला सकते हैं। या आर्यन का जो नंबर था वो नंबर लिख के मुझे दे दो, मैं वो लाइव सेशन में बोल देता हूँ। अभिषेक हागड़े, अभिषेक जी हैं, सर मैं अजमेरा फैशन से जुड़ा हूँ, आपकी टीम हमसे बहुत सपोर्ट करती है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। सर मैंने कुछ दिन पहले ही मान लिया था, हेगड़े जी हैं जी। थैंक यू सर, थैंक यू, जल्दी आपसे मुलाकात होगी। आपके ब्रांड का बेस्ट प्रोडक्ट लेना है, पहले ही शोरूम में क्वांटिटी काम रखूँगा, बट बेस्ट रखूँगा ताकि जल्दी आपसे मुलाकात होती रहे। विदित चौधरी जी हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर, मोस्ट वेलकम है विदित जी। सर मैं एक दुकान बनवा रहा हूँ, 16 फीट चौड़ाई 32 फीट लंबाई, साड़ी और लहंगा जिन, सर मेरा बजट 7 लाख है, इतना में तो दुकान भर जाएगा ना, सर हमें बताएं। सर मैं मुजफ्फरपुर से, लोकेशन 8 गांव का एक छोटा बाज़ार है, बिल्कुल बहुत अच्छी साइज़ है दुकान की, 32x16 आपने बोला है तो एक अच्छा स्क्वायर फीट आपके पास हो जाता है, लगभग 500 स्क्वायर फीट का आपका एरिया हो गया, बहुत बढ़िया, आप आराम से काम कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है पूरी दुकान को ठसाठस भर दिया जाए, लेकिन जो भी रखें वो क्वालिटी प्रोडक्ट रखें, अच्छे प्रोडक्ट रखें। आपके एरिया में क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसमें क्या बेस्ट आप दे सकते हैं, इस चीज़ का प्रयास करें तो आपको अच्छा सेल होने के चांसेस आपको मिल जाएंगे। कमाल कमाल देवभूमि द्वारका, शालिनी ठक्कर जी, मैं झारखंड से हूँ, कितनी अमाउंट होना चाहिए? बारह सत्रह की दुकान कितना का? सुजीत कुमार जी, सर नमस्कार, हम तो वैसे ही हैं, मैं शालिनी ठाकर देवभूमि द्वारका, द्वारका जी को प्रणाम है। अनिरुद्ध अनिश, 50,000 लगाने पर फेरी का काम करने में सर 20,000 मंथ बन जाएगा कि नहीं? सर आप आइए फिर हमको ऐसे छोड़कर आपसे जुड़ जाएं। मैं आपका पूरा सवाल इतना नहीं समझ पाया हूँ, लेकिन 50,000 रुपये लगा करके आप 20,000 रुपये मंथली कमाना चाहते हैं? शुरू में नहीं हो सकता है ये चीज़, शुरू में कोई भी कैलकुलेशन नहीं हो सकती है एक प्रोडक्ट के ऊपर। घर से कोई लेडीज़ हमारे यहाँ से जो माल ले जाती है वो 20-25% ऐड करके बेचती है, वही प्रोडक्ट अगर शोरूम में रखा जाए तो वो प्रोडक्ट ये समझिए कि 100% तक प्लस होके बिक जाता है। इसमें भी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड रहता है, लहंगे वगैरह के अंदर 200% 300% तक मार्जिन मिल जाता है, किड्स वियर के अंदर 200-300% तक भी मार्जिन मिल जाता है, लेकिन 50,000 लगा कर 20,000 कमा लूँगा ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ अभी कि भाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा समय आप अपने बिजनेस को देते हैं अच्छे से तो एक अच्छी और सफिशिएंट कमाई आप कर सकते हैं। सर मिर्ज़ापुर यूपी में किसके यहाँ होलसेल में आता है? मिर्ज़ापुर मुझे देखना पड़ेगा, अजय भाई थे वो
हमसे जुड़कर ये बिजनेस कर रहे हैं, उनकी शॉप का नाम क्या है, मैं मेरे को याद नहीं आ रहा है, अजय टेक्सटाइल ही था शायद उनकी शॉप का नाम। नमस्कार सर, मैं यूपी ज़िला फतेहपुर से, बहुत बढ़िया, ब्रांडेड कपड़े लेकर अपने अकाउंट से सेल कर सकती हूँ ऑनलाइन, जैसे लक्ष्मीपति साड़ी? बिल्कुल कर सकते हैं, आपके पास NOC होना चाहिए जिनसे भी आपने ख़रीदा है उनका। विनीता टर्के व्लॉग, सर नायरा कट ड्रेस स्टेट पेंट कुर्ती का एक वीडियो दीजिएगा। बिल्कुल विनीता जी, मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगा। ऑनलाइन वर्क करने के लिए क्या करना होगा? ऑनलाइन वर्क बोले तो आप शायद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर कपड़ा बेचना चाहते हैं, तो उनके ऊपर आप बेच सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उसके लिए भी आप अगर हमसे कोई हेल्प चाहते हैं तो भी हम कर सकते हैं, आप हमारी टीम से बात कर लीजिए। सर लेडीज़ जर्कन सूट का वीडियो बनाइए। बिल्कुल जी, मैं सूट के बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए भी हैं, और नया भी आप कहेंगे तो मैं ज़रूर प्रयास करूँगा जर्कन सूट का स्पेशली। RBP एंटरटेनमेंट म्यूज़िक वर्ल्ड, 6 लाख तक का क्या नॉर्मल शॉप खुल सकती है? बिल्कुल खुल सकती है, एक अच्छी खासी शॉप, छोटी शॉप आप आराम से कर सकते हैं। सर नमस्कार, हम खलीलाबाद UP से हैं, इस समय कुवैत में हैं। सर हम सोच रहे हैं 50,000 लगा के साड़ी का फेरी करके कितने का इनकम होगा। मैंने अभी जैसा बताया, देखिए डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर आपकी कमाई होगी, ये तयशुदा बात है, लेकिन 50,000 लगा के 20,000 रुपये आप कमाना चाहते हैं तो वो अभी नहीं बता सकता हूँ आपको। सर लखनऊ में अगर कपड़ा मंगवाएं तो ट्रांसपोर्ट का चार्ज कितना लगेगा? लखनऊ का लगभग प्रॉपर लखनऊ का यहाँ से ट्रांसपोर्ट का चार्ज 50 किलो का प्रॉपर लखनऊ का आप मंगवाते हैं तो 500-600 रुपया लगता है 50 किलो के पार्सल का, बाकी इंटीरियर कितना है उस पर भी डिपेंड करता है जी। बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हैं, बहुत सारे सवाल जवाब और भी हैं, लेकिन समय की एक मर्यादा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं उनका ज़रूर आपको जवाब देने का प्रयास करूँगा। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, ऐसी मंगल कामना के साथ आज के इस वीडियो को यहीं विराम करते हैं, और प्रणाम करता हूँ उस ईश्वर को जो आपके, मेरे और सबके भीतर बैठा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। शालिनी ठक्कर जी फिर से कह रही हैं कॉल नहीं लगता है, मैं पूरा प्रयास करूँगा आपको रिपीट जवाब मिल जाए। आप एक बार हमारा जो मेल आईडी है jmeirafashion@gmail.com उसके ऊपर आप मेल करके छोड़ दीजिए, आपको माल मंगवाना है अपना नंबर छोड़ दीजिए, हमारी टीम आपसे सामने से कॉल करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से मिलेंगे अगले लाइव सेशन के अंदर। बीच में कुछ कुछ प्रोडक्ट लेके मैं आते रहता हूँ, मेरे चैनल्स पे वीडियोस डालते रहता हूँ, उन सबको भी आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे, तो आपके बिज़नेस का भी नॉलेज उन वीडियोस से, बिज़नेस के बारे में भी बहुत सारी जानकारी इसमें देता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन पे ज़रूर आप क्लिक करके रखिए, जो बेल आइकन होता है उसके ऊपर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जो भी नया वीडियो आए वो आप लोगों को मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।